लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। सभी सियासी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इस बीच तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान कैश बांटने का मामला सामने आया है। दरअसल तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य में मदुरई जिले के विरुधुनगर सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार मणिकम टैगोर पर चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच कैश बांटने का आरोप लगा। चुनाव प्रचार के दौरान करेंसी नोट बांटे गए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो क्लिप में विरुधुनगर में मणिकम टैगोर को एक चुनावी अभियान के दौरान आयोजित कार्यक्रम में वहां मौजूद लोगों को पैसे बांटते देखा गया। पुलिस अधीक्षक बीके अरविंद के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार मणिकम टैगोर द्वारा मदुरई में कैश बांटे जाने वाली वीडियो क्लिप सही है। इससे पहले बुधवार को टैगोर ने मदुरई में एक चुनाव अभियान के दौरान पार्टी समर्थकों और स्थानीय लोगों को संबोधित भी किया था।